देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर सरकारी इंतजामों का दावा करने वाली सरकार आरा सदर अस्पताल में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य व तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, आरा नगर सचिव दिलराज, प्रीतम नगर कमेटी सदस्य व मेडिकल प्रभारी दीनानाथ सिंह पहुंचे अस्पताल में। ठीक 10:30 बजे पहुंचने के बाद पूरे ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं मिले, जबकि ओपीडी में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ओपीडी खुलने का नियम है। इसके बावजूद 10:30 बजे पूरे ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं मिले। गरीब मरीज बाहर भटकते रहे, गरीब मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं। मानो जैसे लगता है कि नीतीश मोदी की सरकार सहित सदर अस्पताल का लॉकडाउन हो गया है। आज अस्पताल परिसर में जिले भर के गरीब मरीजों की कोई इलाज अस्पताल परिसर में नहीं हो रहा है। उसके बाद दवा स्टोर में भी जाकर देखा गया तो न्यूनतम खांसी और आयरन की दवा मौजूद नहीं है। पता नहीं कैसे कोरोना जैसे भयंकर ऑपरेशन थिएटर में लाइट जैसी सुविधा नहीं है। ऑपरेशन के बाद टांका देने के लिए मिनिमम धागा तक मौजूद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कोरोना जैसे भयंकर महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार जनता पर उनके भाग्य भरोसे छोड़ देने के लिए सरकार कह रही है। पिछले 3 महीना से पहले से ही मोदी सरकार को इस भयंकर महामारी फैलने की जानकारी थी। इसके बावजूद इसमें रोकने के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है। आरा शहर सहित जिले भर में नागरिकों को इसके बचाव के लिए सरकार की ओर से कोई जागरूकता अभियान या कोई प्रचार वाला काम नहीं किया जा रहा है। कहीं भी सफाई, मास्क के, दवा की सुविधा, याचिकाओं की सुविधा नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इस महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल है। भाकपा माले यह मांग करती है कि आरा सदर अस्पताल सहित जिले भर में कोरोना जैसे बीमारी के जांच सेंटर खोलना चाहिए, दवा व डीटीटी का छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीबों के साबुन, सैनिटाइजर, मास्क देने। इस लॉकडाउन के दौर में तमाम गरीबों को 2 माह का मुफ्त राशन देने, सभी गरीबों को 2500 रुपया, साथ ही साथ तमाम पेंशनधारी को 2 माह का अग्रिम राशि देने, बाहर से आ रहे यात्रियों को उन्हें जांच कर उनके घर तक ले जाने का वाहन एवं खाना का प्रबंध करने की राज्य सरकार से मांग की है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। की मृत्यु हुई जो कतर से आए थे, सैफ अली घर चले गए, उनका कफन दफन हो गया, तब जो है ये लोग कह रहे हैं कि वो कोरोना का मरीज थे। एक औरंगाबाद में लाश जो है चिता पर रखी हुई है और डॉक्टर जाकर के गए कि सैंपल लेंगे कि किस तरह का मरीज है। क्या तमाशा चल रहा है भाई, बिहार में क्या चल रहा है? यही सुशासन का राज है, यही जनता के जान माल की हिफाजत ये लोग कर रहे हैं। प्रचार तो खूब है, देख लीजिए लोग, ताकत कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जिस ढंग से मोदी जी ने और नीतीश जी ने थाली पिटवाया पूरे बिहार से, पूरे देश से, लगता है कि उसी से लोग स्वस्थ हो जाएंगे, घरों में बंद रहेंगे, उनका भोजन कहाँ से चलेगा, उनका इलाज कैसे होगा, एक डॉक्टर नहीं है। जाकर देख लीजिए आप लोग। किससे बात हुआ आपको? अभी डीएम साहब से बात हुई, बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोगों का स्क्रीनिंग हो रहा है, तो सबका एक साथ हो रहा है स्क्रीनिंग? हाँ, यहाँ एक तो डॉक्टर रहना चाहिए, एक डॉक्टर नहीं है, कोई एक डॉक्टर लोग खुद कोरोना का भय है, खुद उनको भय है कोरोना का। ये मरीजों की सेवा क्या करेंगे? अगर सेवा सीखना है, क्यूबा से सीखे भारत सरकार, क्यूबा से सीखे, चीन से सीखे। अभी क्या जवाब मिला डीएम साहब? डीएम साहब बोले कि हम दिखवा लेते हैं। तो ये जवाब तो यही होता है, दिखवा लेते हैं। नीतीश जी जो है लॉकआउट कर दिया है। क्या है लॉकडाउन? है कि लॉकआउट? लॉकडाउन है 31 मार्च तक। इसका मतलब क्या? लोग मर जाए, मर जाए, लोग मर जाए, बच्चे मर जाए, महिलाएं मर जाए, किसान मजदूर मर जाए। यहाँ पर जो है, संत रहिए। अभी क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत यहाँ अभी एक बारी के मनोज कुमार को, एक बच्चा उनकी पत्नी को पैदा हुआ, पत्नी हॉस्पिटल में है सहार में, और वो वहाँ बच्चे को लेकर के यहाँ रेफर हुआ है, आए हैं। इमरजेंसी में कैसे, क्या हुआ? अरे कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, ओपीडी में कोई नहीं था, कोई नहीं है ओपीडी इमरजेंसी, कहीं कोई नहीं, भगवान भरोसे है,
भोजपुर की जनता भगवान के भरोसे बच जाए तो बच जाए और नहीं तो मर जाए। नीतीश जी को मोदी जी को इससे कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ थाली पिटवाते हैं, थाली पिटवाने के लिए है, शंख घंटी बजाने के लिए है, जनता का इलाज करने के लिए नहीं है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जो है स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान दीजिए। अभी विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया, ये बजट सेशन खत्म हो गया 16 तारीख को, हम लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हो अयोग्य है, चमकी बुखार के समय में इनकी योग्यता सामने आई थी और इसमें भी ये तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम बंद है और मंगल पांडे सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, इनको बर्खास्त कीजिए, इनका इस्तीफा लीजिए। लेकिन कैसा रंग तेरा, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, थाली पिटवाइए। पिट रहा है देश, पिट रहा है बिहार, लॉकडाउन कीजिए, लोग घर में भूखे रह करके रहेंगे, मरेंगे, भूख से मरे, भूख से मरे, बीमारी से मर जाए दूसरी बीमारियों से।